करनाल पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया है कि उसने मामूली कहा सुनी पर गला दबाकर हत्या कर दी थी और हत्या कर फरार हो गया था। आपको बता दें कि करनाल पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव सालवन के एक कमरे में एक शव पड़ा है, जिस पर करनाल पुलिस की टीम द्वारा शव को कब्जे में लिया गया, जिसकी शनाख्त दिनेश निवासी गांव सालवन करनाल के नाम से हुई। इस संबंध में मृतक के पिता शेर सिंह के बयान पर थाना असंध करनाल में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की आगामी तफ्तीश CIA 1 करनाल को सौंपी गई। वह उप निरीक्षक रणबीर सिंह CIA 1 करनाल की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया। तफ्तीश के दौरान उप निरीक्षक रणबीर सिंह व सहयोगी टीम द्वारा विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सौरभ निवासी गांव सालवन को हांसी रोड करनाल से गिरफ्तार किया गया। दौराने पूछताछ आरोपी ने बताया कि उसने मामूली कहा सुनी पर दिनेश का गला दबाकर हत्या कर दी थी और हत्या कर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी का रिमांड हासिल कर लिया है। अब रिमांड के दौरान आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जाएगी। ये 20/9/2020 को गांव सालोन के अंदर इसकी बंद पानी की टंकी है, उसके अंदर इसकी डेड बॉडी मिली थी सुबह, जिसमें कार्रवाई असंध थाना में कार्रवाई 74 CRPC करके इसका पोस्टमार्टम कराया गया। दौरान पोस्टमार्टम जो डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट दी उसमें सेटरिंगुल आया इसका, तो उसके बाद 302 का मुकदमा दर्ज हो गया और तफ्तीश उसके बाद CIA 1 में हैंड ओवर होगी। और हमने अपने गुप्त सूचना के माध्यम से इसके घर पे पता गए रेड करने के लिए, घर पे हाजिर नहीं था, तो ये भागतरा घर से और इसको फिर 27/11 को हमने इसको अरेस्ट किया। इसका नाम है सौरभ उर्फ बोड़ा, सनोप धर्मवीर उर्फ बुरिया, वाचिस सालवन। मामला दिनेश का मर्डर हुआ था, सनोप शेर सिंह वासी सालवन का था वो भी। क्या मामला सामने आया, कारण क्या रहा? मामला ये था कि भाई ये दिनांक 19/9 को होना, ये अपना लेंटर नहीं डालते ठेके में, उसके साथ काम पे गया था, रात को 8 बजे आया था, तो उसने ये जो लड़का दिनेश था जो मरने वाला था, डिसीज था वो, इन्होंने रविदास मंदिर के सामने गली में मिला था, वो इसको बोला भी मेरे को दारू पिला, ये उसको ठेके पे लेगा दारू, 150 रुपये की दारू ली, 30 रुपये घंटे इन्होंने ठेके पीछे दारू भी बैठ के। उसके बाद ये पानी की एक बंद टंकी पड़ी है उसमें आगे, वो बोला भी मेरे को बीड़ी पिला दे, ये मतलब मेरे पास बीड़ी नहीं है, मैं कहाँ से लेके आऊँ, तो उसने हाथा पाई की और इसका गला दबा दिया। इसने उसको गला दबाने के लिए इसको अपने आप को छुटाया और छुटाने के बाद उसको नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद उसकी गर्दन नीचे लगी और फिर इसने उसको उठा कर अपने बचाव के लिए उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी इसने, और वहीं पर छोड़कर घर चला गया था। है सर, नहीं इस पर कोई मामला दर्ज नहीं है अभी तक, अभी बस रिमांड पे है, आगे पूछताछ की जा रही है। जहाँ पर मर्डर हुआ था वहीं से ये डेड बॉडी मिली, वहीं पे मिली। यानी कि गरोंडा का ये मामला, सालवन का ये मामला। जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.